निर्गमन अध्याय 19 निर्गमन अध्याय 19 इसराइलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीत चुके उसी दिन वे सिनै के जंगल में आए और जब वे रपिदीम से कूच करके सिनै के जंगल में आए तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इसराइलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कहा और इसराइलियों को मेरा यह वचन सुना कि तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाप पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा को पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इसराइल से कहनी है वे यही है। तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलवाया और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उनको समझा दी और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित करेंगे। लोगों की यह बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूं, इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूं तब वे लोग सुने और सदा तेरी प्रतीति करें। और मूसा ने यहोवा से लोगों की बातों का वर्णन किया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना और वे अपने वस्त्र धो ले और वे तीसरे दिन तक तैयार हो रहे, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सिनै पर्वत पर उतर आएगा और तू तो लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना और उनसे कहना कि तुम सचेत रहो कि पर्वत पर न चढ़ो और उसके सिवानों को भी न छुओ और जो कोई पहाड़ को छुए वह निश्चय मार डाला जाए, उसको कोई हाथ से तो न छुए परंतु वह निश्चय पत्थरवाह किया जाए वा तीर से छेदा जाए, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य वह जीवित न बचे। जब महाशब्द वाले रणसिंगे का शब्द देर तक सुनाई दे तब लोग पर्वत के पास आए। तब मूसा ने पर्वत पर से उतरकर लोगों के पास आकर उनको पवित्र कराया और उन्होंने अपने वस्त्र धो लिए और उसने लोगों से कहा, तीसरे दिन तक तैयार हो रहो, स्त्री के पास न जाना। जब तीसरा दिन आया तब भोर होते बादल गरजने लगे और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंह का शब्द बड़ा भारी हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए और यहोवा जो आग में होकर सिनै पर्वत पर उतरा था इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया और यहोवा सिनै पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे कि कहीं ऐसा न हो कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसे और उनमें से बहुत नाश हो जाए और याजक जो यहोवा के समीप आया करते हैं वे भी अपने को पवित्र करें, कहीं ऐसा न हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। मूसा ने यहोवा से कहा, वे लोग सिनै पर्वत पर नहीं चढ़ सकते, तूने तो आप हमको यह कहकर चिताया कि पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांधकर उसे पवित्र रखो। यहोवा ने उससे कहा,
उत्तर तो जा और हारून समेत तू ऊपर आ, परंतु याजक और साधारण लोग कहीं यहोवा के पास बाड़ा तोड़ के न चढ़ाए, कहीं ऐसा न हो कि वह उन पर टूट पड़े। यही बातें मूसा ने लोगों के पास उतर के उनको सुनाई।